हेलो दोस्तों, कैसे हो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप डेजर्ट कूलर को यानी नॉर्मल कूलर को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे रिमोट से उसे कंट्रोल कर सकते हो, वॉइस से उसे कंट्रोल कर सकते हो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके एयर कंडीशनर को ऑटोमेट कर सकते हो। वैसे एसी को ऑटोमेट करना कूलर को ऑटोमेट करने जितना ही सिंपल है, बस थोड़ी सेफ्टी लेके करना पड़ेगा। डोंट वरी, आई विल गाइड यू थ्रू इट। सो आज मैं आपको तीन ऐसे प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप आपके घर के एसी को बड़े ही आराम से ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेशन करने से दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिसिटी सच में सेव होती है, एंड आई गेस सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ऑल, राइट। तीनों प्रोडक्ट्स की परचेस लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो गाइस, पोल में सवाल नंबर 4 मैंने पूछा है, तो जल्दी जाके पोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आंसर नंबर के साथ और पोल भी कर देना दोस्तों। और दोस्तों, जिन लोगों के नाम मैंने मिस किए हैं वो प्लीज लेटेस्ट पोल में जाकर अपना जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेटेस्ट पोल्स आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे। वेल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे एसी को ऑटोमेट किया जा सकता है वो है माइक्रोवेव मोशन सेंसर्स। मोशन सेंसर्स दोस्तों आज हर कहीं यूज हो रहे हैं, सो व्हाई नॉट वी इंस्टॉल इट इन टू आवर हाउस। वैसे एसी सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि ऑफिसेस, बैंक्स, कॉलेजेस और बहुत सारी जगहों पर यूज होते हैं। सो अगर ऐसे प्लेसेस में एसी को मोशन सेंसर लगाकर ऑटोमेट हम कर दे तो एक बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। माइक्रोवेव मोशन सेंसर्स आर पॉपुलर फॉर देयर एक्यूरेट मोशन डिटेक्शन और रूम साइज के अकॉर्डिंग उनकी सेंसिटिविटी रेंज भी कम ज्यादा आप कर सकते हो। बस आपको एक कॉन्टैक्टर खरीदना पड़ेगा क्योंकि एसीज को, जैसा मैंने पहले मेंशन किया, एक हाई करंट लगता है ऑलमोस्ट 25 टू 30 एम्प्स का। सो आइडियली सिर्फ एक मोशन सेंसर इतना करंट लोड हैंडल नहीं कर पाएगा। कॉन्टैक्टर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। सो बेसिकली मोशन सेंसर्स का यूज करने से जिस वक्त एसी वाले रूम में लोग रहेंगे, मतलब मोशन रहेगी, उस वक्त एसी ऑन रहेगा, अदरवाइज इट विल बी ऑफ। इससे बार बार रिमोट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इजंट इट अमेजिंग। सेकेंड प्रोडक्ट टू ऑटोमेट योर एसी इज डीन रेल डिजिटल टाइमर। ये पर्टिकुलर मॉडल है BT41D। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी की तरफ से सप्लाई किया हुआ एक डिजिटल टाइमर है। दिस इज अ वीकली प्रोग्रामेबल टाइमर। जब आपको पता होगा कि किस टाइम एसी ऑन होता है और किस टाइम ऑफ, इन शॉर्ट व्हेन यू नो द स्केड्यूल यूज ऑफ योर एसी इन क्लासरूम्स, ऑफिसेस, इन सच केसेस यू कैन ऑटोमेट योर एसी यूजिंग दिस डिजिटल टाइमर। इसमें आप वीकली से प्रोग्राम कर सकते हो जिससे ये उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ होता रहेगा रेगुलरली। लेकिन अगर लाइट चली गई तो क्या सेव किया हुआ प्रोग्राम डिलीट होगा? एब्सोल्युटली नॉट गाइस। इस टाइमर में एक रियल टाइम क्लॉक होती है और एक लिथियम आयन बैटरी होती है जिसकी लाइफ अप टू 10 इयर्स की है। सो इवन इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, आपका सेव किया हुआ प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहेगा। सो क्या आप डिजिटल टाइमर से एसी को ऑटोमेट करना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जब भी आपको डाउट हो कि प्रोडक्ट एसी का करंट लोड हैंडल कर पाएगा कि नहीं, तो आप कॉन्टैक्टर हमेशा यूज कर सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। आपका एक एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। थर्ड प्रोडक्ट जो आप एसी ऑटोमेट करने के लिए यूज कर सकते हो वो है स्मार्ट वाईफाई स्विच। ये स्विच तो आपने पहले बहुत सारे वीडियोस में हमारे देखे होंगे। ये सबसे डिमांडेड प्रोडक्ट है। वैसे स्क्रीन पर जो दो मॉड्यूल्स है वो 4 लाइट्स और एक फैन के लिए है, बट इसमें हेवी अप्लायंसेस जैसे एसीज, गीजर्स के लिए भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो स्मार्ट वाईफाई स्विच से बेसिकली आप मोबाइल से एसी को कंट्रोल कर पाओगे। इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से घर आ रहे हो या बाहर से घर आ रहे हो तो घर आने के बाद एसी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर से थोड़ी दूर पर ही एसी को ऑन कर पाओगे जिससे घर आते ही आपको ठंडी हवा मिलेगी। इसमें आप एसी को स्केड्यूल कर सकते हो ऑन एंड ऑफ के लिए। ये यूजफुल है रात के समय। ट्रस्ट मी गाइस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफी सेव होती है। और इस स्मार्ट वाईफाई स्विच को स्मार्ट लाइफ ऐप से कनेक्ट करके आप एलेक्सा से भी वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्मार्ट वाईफाई स्विच वाला ऑप्शन? वैसे मुझे जानने में खुशी होगी कि आप कौन सी मेथड से आपके एसी को ऑटोमेट करना पसंद करोगे। कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर भी कर देना। प्रोडक्ट की परचेस लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सेलर है, उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया
हैं उनको थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, वीडियोस हमेशा आते रहेंगे। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।